Those who don't understand this particular दुआ, मैंने ये कहा है कि कुछ बातों में निहित या छुपा हुआ विजडम होता है, जिस विजडम को खोलना सिर्फ रब या खुदा के हाथ में होता है। तो मैंने अपने खुदा से दुआ की है कि आज के इस वेबिनार में हर लाइन में छिपा हुआ जो विजडम है वो हर किसी पर, हर किसी के दिल पर खोल। आज का यह वेबिनार बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं मैं IAS कोच हूँ। 5 शहरों में हमारी पिछले साल बैच थी। उस बैच में निहायत ही मेहनती और अच्छे बच्चे थे। इस कदर मेहनत करने वाले और इस कदर शानदार बच्चे कि एक ख्वाबों की बैच थी। पर मुझे उनको पढ़ाते वक्त ऐसा लगा कि सही पढ़ने का जो तरीका होता है वो बहुत हद तक के हर किसी को नहीं आता। जबकि वो ऐसे बच्चे थे कि आप कभी सोच नहीं सकते इस कदर पढ़ने में अच्छे थे। तो मेरा ये ख्वाब था, और ये ख्वाब यही था कि सेकेंड बैच शुरू होने से पहले पढ़ाई कैसे करते हैं और पढ़ाई के सही मायने क्या है, मैं यहीं से शुरू करूंगा। ये तो IAS वालों के लिए बहुत काम की चीज है, लेकिन उनकी वजह से आज हम यहां पर एक ऐसे जनरल ऑडियंस को, जिसमें माँ बाप भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेटर्स हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं आज के इस वेबिनार में, और आपको यकीन नहीं होगा मोर देन 29 to 31 कंट्रीज हैव जॉइंड टुडे ऑन दिस पर्टिकुलर वेबिनार। इस वेबिनार में हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले प्रोग्राम का पार्ट है, लेकिन आपके पढ़ने के तरीके को ये हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। आपके पढ़ने के सही मायने क्या है, और खासकर इस जमाने में जबकि ChatGPT है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि इंसानों को हरा कर वो आगे जा रहा है, तो बिल्कुल हम उस चीज की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके जिंदगी में आपको बहुत असरअंदेज हो, हर तरह से आपके काम आए। तो एक सादा कागज और पेन अपने सामने रख लें। फिर एक बहुत शानदार प्रोग्राम है जिसमें 300 लोग सारी दुनिया से हमारे साथ जुड़ेंगे 3 महीने के लिए। उस प्रोग्राम की डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा, वो लास्ट में दूंगा, लेकिन पहले जो वादा किया है वहां से शुरू करते हैं कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। एक बड़ी ही जबरदस्त चीज हो रही है आजकल। फ्राइडे से फ्राइडे कब चला जाता है पता नहीं चलता। एक हफ्ता चला गया, फिर सैटरडे आ गया, फिर संडे आ गया, समझ ही नहीं आता हफ्ता कहाँ इतनी तेज से निकल रहा है। ठीक उसी तरह एक और चीज हो रही है आजकल। कोई गुजर जाता है तो हमारे घर वाले फोन पर बताते हैं कि फला अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें महसूस होता है या खुदा वो गुजर गए। कई बार यह अचरज होता है कि वो जिंदा तो थे, जिंदा भी थे, मुझे पता ही नहीं था। फिर हम उनसे लास्ट रिलेटेड कोई बात ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान अब हमारे ताल्लुक में नहीं है। क्यों नहीं है वो हमारे ताल्लुक में? क्योंकि अब वो हमारी लाइफ को और इन्फ्लुएंस नहीं करता। क्यों नहीं करता है वो हमारी लाइफ को और इन्फ्लुएंस? क्योंकि वो उसने कोई अब ऐसी ग्रोथ नहीं की जिस ग्रोथ से हमें कोई सकारात्मक या पॉजिटिव फायदा हो। इस वजह से बहुत दिनों से हमारा रिश्ता उनसे टूटा हुआ था, और अचानक उनके नहीं रहने की खबर आई। बिल्कुल ऐसा ही कुछ माहौल हमारे घरों का भी हो गया है। रहने को हम सब एक साथ रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, और आप यकीन मानिएगा ये तस्वीर बिल्कुल आपके और मेरे घर की है। आई वॉन्ट यू टू सी दिस कि ये तस्वीर कैसी है। ये सिर्फ ChatGPT को इतना कहा गया कि आज के जो रिलेशंस हैं फैमिली में, ट्रेंड रिलेशंस हैं, मतलब वो रिश्ते जो खिंच गए हैं, टूटने की कगार पर है, उस पर एक तस्वीर बना कर दो। तो उसने ये तस्वीर बना कर दी है। बिल्कुल यही माहौल है हमारे यहाँ शाम की महफिलों में। हम में से हर कोई किसी और से बात नहीं करना चाहता, और हम इस कदर मग्न होकर ये चीजें देखते हैं कि कोई आकर अगर कोई सवाल पूछे तो हम छटपटा जाते हैं कि अभी मुझसे कुछ मत पूछो, अभी मुझे मत छेड़ो, प्लीज अभी कोई डिस्टर्ब मत करो। और जवाब भी अगर हम दें तो सबसे नजदीकी और सबसे आसान जवाब देना पसंद करते हैं। हम उसमें अपने विजडम को नहीं लगाते।
हमारी जिंदगी से ना एक चीज है जो बचपन में छीन ली गई। आप इस बच्चे की तस्वीर को देखिए और इस बच्चे की तस्वीर को देखिए। इन्हें ना पढ़ने का पहला नियम यहीं से शुरू होता है, इसी तस्वीर से। दुनिया में जितनी किताबें हैं, हर किताब में हर लाइन है, हर लाइन को लिखने के पीछे एक वजह थी, WHY। अगर आपने उस लाइन के वाई को पकड़ लिया तो वो लाइन जिंदगी में दोबारा आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपने कभी लाइन देखी है किसी किताब में लिखी हुई, एक बारात की जैसी होती है, और उस बारात में वर्ड्स एक के पीछे एक चल रहे होते हैं। दूल्हा कौन होता है? वो वाई, वो रीजन जिसकी वजह से वो लाइन लिखी गई थी। क्या ही आयरनी है, विडंबना आप कहेंगे हिंदी में, आयरनी कहेंगे इंग्लिश में, कि हम बच्चा जब वाई 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 के सवाल लेकर आता है तो हम उसको कहते हैं चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो, कीप क्वाइट, व्हाट अ नॉनसेंसिकल क्वेश्चन। और जब वो बड़ा होता है और अपने कैरियर की चॉइसेस लेने की कोशिश करता है तो हम उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज में दिलचस्पी है वो बताओ, तुम क्या बनना चाहते, तुम्हें किस चीज में दिलचस्पी है। तो बच्चा बड़े अचरज से हमारी तरफ देखता है, कहता है यार जब मैं दिलचस्पी लेता था, व्हेन आई वाज इंटरेस्टेड, मेरे इंटरेस्ट को मेरी दिलचस्पी का खून किया है आप लोगों ने, मुझे ऐसे कह के कि डोंट बॉदर मी, मुझसे सवाल मत पूछो। सबको आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज, तो कुछ लोगों का सिग्नल कमजोर होगा, उन्हें नहीं आ रही होगी। जिसको आवाज नहीं आ रही उसको सिग्नल। यासुद्दीन भाई आवाज आ रही है ना सबको? जी परफेक्ट सर। परफेक्ट है। जिसको नहीं आ रही उनका सिग्नल कमजोर। तो बच्चा हमसे पूछ रहा था, हम उसको बताने को तैयार नहीं थे, हम उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं थे, हम डोंट बॉदर मी, डोंट, आई डोंट नो, व्हाट अ सिली क्वेश्चन बोलकर हमने उसकी दिलचस्पियों को मार दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने हमसे सवाल पूछना ही बंद कर दिया। जब उसने सवाल पूछना ही बंद कर दिया तो उसके अंदर की जो रूह थी उसका खात्मा हो गया। इस रूह को कहते हैं, मैं लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए, इसके बिना कोई पढ़ाई नहीं की जा सकती, उस रूह को कहते हैं क्यूरियोसिटी। पढ़ने का पहला नियम मैंने बताया है WHY हर लाइन के पीछे, और दूसरा नियम है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का एटिमोलॉजी देखिए, केयरफुल डायलिजेंट, आई केयर, मैं इस बात की केयर करता हूं, मैं डायलिजेंटली सुनना चाहता हूं। पढ़ने का नियम नंबर दो, ध्यान से सुनना, जिस पढ़ाई में से क्यूरियोसिटी मर गई वो पढ़ाई अब बर्डन हो गई। अब आप सिर्फ इतना भी पढ़ लीजिए, अब आप पढ़ रहे हैं वो बोझ की तरह पढ़ रहे हैं। क्यूरियोसिटी की क्या निशानी है सर? कि मैं क्यूरियस हूं, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं। आप सवालों की झड़ी लगा देते हो। You are longing for more and more types of experiences. You are longing to know more and more about the answers. आप थकते नहीं हैं उस बात पर सवाल पूछते पूछते पूछते। इसे हम क्यूरियोसिटी कहते। जिस पढ़ाई में से क्यूरियोसिटी निकल गई वहां WHY कम हो जाते, और जिस पढ़ाई में से WHY कम हो गए अब वो पढ़ाई बोझ है। इस लाइन को मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनना। जिस पढ़ाई में क्यूरियोसिटी हो वो पढ़ाई नहीं होती, अब एडवेंचर हो जाता है। जिस भी सिचुएशन में क्यूरियोसिटी, वो एक एडवेंचर हो जाता है। हमारे गेम खेलने में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, वो हमें एडवेंचर की तरह लगता है। और जिसमें से स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यानी क्यूरियोसिटी चला जाए तो उसमें से WHY चला जाता है, और बिना इंटरेस्ट के हम कितनी ताकत लगा लें अब वो पढ़ाई ढंग से नहीं होती। कैसे? मैं आपको पहला एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं आप बचपन में आपने ना एक चीज पढ़ी थी, मैं उस चीज को ना दोबारा पढ़ाने जा रहा हूं। फिफ्थ क्लास की NCERT में एक वर्ड पढ़ा था आपने, ट्रांसपिरेशन या इवेपो ट्रांसपिरेशन। क्या होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन? इवेपरेशन और ट्रांसपिरेशन। इवेपरेशन क्या होता है हम सब जानते हैं, भाप बनकर पानी का उड़ जाना, लेकिन ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये जड़ों में से पानी को खींचते हैं क्या पेड़ और पौधे, अपनी लीव्स तक पहुंचाते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, बचा हुआ पानी एक्सेस वाटर हवा में उड़ जाता है।
ये हमने पढ़ा था, बोझ की तरह पढ़ा था। मैंने अभी वर्ड लिया तो आपने रिकॉल किया, रिकॉल करने में जो गड़बड़ हुई मैंने बता दिया। वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू द प्लांट एंड देन फ्रॉम द लीव्स पोर्स वो हवा में उड़ जाता है। अब देखिए कैसे जादू से मैं इसमें क्यूरियोसिटी को पैदा कर रहा हूं कि ये पढ़ना एडवेंचर की तरह लगेगा, और आज रात को आप में से हर कोई इस टॉपिक को गूगल करके पढ़ना चाहेगा। देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूं, ध्यान से देखिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमेज़न के घने जंगल, वर्षावन। उन वर्षावनों में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा एक टावर उन्होंने लगाया है। क्यों लगाया वो मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले जो विल स्मिथ है ना, जो हॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म स्टार है, वो बता रहे हैं। ये विल स्मिथ है, हम में से हर कोई जानता है। ये कह रहे हैं मैं बुर्ज अल खलीफा के ऊपर भी गया हूँ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर भी गया हूँ, लेकिन लैटिन अमेरिका में जो टावर लगाया जा रहा है ऐसी कोई चीज मैंने कभी नहीं देखी। मैं आपको वो टावर पहले दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे कि वो क्या है, हम क्यों लगा। ये वर्षावन है, हम सब जानते हैं वर्षावन में बहुत बारिश होती है, इसीलिए उसे वर्षावन, रेन फॉरेस्ट कहते हैं। घने जंगल होते हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, इतनी पत्तियां होती हैं कि धूप अंदर नहीं आती, तो पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं सूरज की रोशनी के लिए। पर ये टावर वहां क्यों लगाया जा रहा है? Why the hell the tower is being established in the midst of the rainforest in the Amazon? इतना ऊंचा टावर कि आप अभी उसको देखेंगे तो आप ये देखिए, इतना ऊंचा टावर, और ये किसी टेलीफोन या इंटरनेट के सिग्नल के लिए नहीं लगाया जा रहा है। ध्यान से देखना क्यूरियोसिटी क्या होती है और पढ़ना कैसे एडवेंचर होता है। देख रहे हैं इसकी लंबाई कहां तक है, देख रहे हैं इसकी लंबाई कहां तक है, किस तरफ ऊपर तक इसकी लंबाई है, और नीचे वो वर्षावन देख रहे हैं आप, वो पेड़ रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं ना, वो सनलाइट के लिए कंपीट करते हैं, वो ऑलरेडी बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन उस पर ये टावर उनसे ऊंचा है। क्यों? ये यहां कुछ नापने आया है क्या? ये एक हवा में उड़ती रिवर को नापने आया है, द फ्लाइंग रिवर, उड़ती हुई नदी को। कभी सुना है आसमान में रिवर होती है? कैसे? ये देखिए रेन फॉरेस्ट के बड़े पेड़ ने क्या किया, नीचे से पानी खींचना शुरू किया अपने रूट्स में से, और इस पानी को खींचता रहा, और खींचकर वो पहले अपने लीव्स तक पहुंचाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनेगा, लेकिन एक्सेस वाटर वो लीफ के पोर्स से निकालेगा, और लीफ के पोर्स से निकलते ही पहले देखिए अपने ब्रांचेस से, रूट्स से कैसे खींच रहा है पानी को, फिर अपने लीव्स में पहुंचा रहे, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होके खाना बन रहा है। पर ये छोटी छोटी बूंदे देखी है, ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर लीफ की सतह पर जमा हो रही है, जैसे ही सूरज जोर से होगा ये सारी इवेपोरेट होंगी, और इवेपोरेट होके कहां जाएंगी? इसी बात को नापने के लिए वो टावर बनाया गया है। देखिए सूरज जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये लीफ वैसे वैसे इवेपोरेट हुई, और हवाओं में हजारों करोड़ों अरबों खरबों बूंदे रिवर बनकर उड़ने लगी। देखिए ये नजारा, इस नजारे को कैमरे में लाने के लिए वो टावर लगाया गया था। आप देख रहे हैं टावर के चारों तरफ द फ्लाइंग रिवर, ये वो नदी है बूंदों की जो आसमान में उड़ रही है, ये आसमान में उड़ रही है द फ्लाइंग रिवर। और ये कहां जा रही है पता है आपको? ये पेड़ों से निकली हुई बूंदे नदी बनकर अटलांटिक के उस पार, अटलांटिक के उस पार अफ्रीका में मूसलाधार बारिश बनके गिरने जा रही। अगर अमेज़न के जंगल काट दोगे तो अफ्रीका में सूखा पड़ने लगेगा। क्या ये बात समझ गए कि अमेज़न के जंगल काटने से अफ्रीका में कैसे सूखा पड़ने लगेगा, और फ्लाइंग रिवर क्या है, और इवेपो ट्रांसपीरेशन जैसी छोटी सी चीज जो एनसीईआरटी में एक पेज लिखा था उसका इतना गहरा मतलब हो सकता है, उसे पढ़ना इतना एडवेंचरस और इतना क्यूरियस और इतना वाई से भरा हो सकता है। अगर ये बात आपको समझी है तो क्या एक बार अपना हैंड उठाकर दिखा सकते हैं कि यस आई हैव बिकम नाउ क्यूरियस हाउ टू स्टडी।
वहां एक बटन होगा हैंड रेस का, आपको दबाना है। दैट आई हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट हाउ टू स्टडी। इसके बिना बच्चों पढ़ाई बोझ है, इसके बिना जो है ना बच्चों, इसके बिना जो है ना वो पढ़ाई बिल्कुल वही है जो आप करते हो मर मर के, एग्जाम की बेल बजने तक किसी काम की नहीं है वो पढ़ाई। अब एक बात और बोलूं तो फिर से एक बार बटन दबा के बताना कि हाँ समझ में आया। मुझे लगता है कि आज से जिंदगी भर दोबारा इवेपो ट्रांसपिरेशन नहीं पढ़ना होगा। सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं जरा हाथ उठा के बताना। मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी पढ़ना होगा इवेपो ट्रांसपिरेशन। ये है जिस वेबिनार के लिए, ये वेबिनार शुरुआत है एक 3 महीने के सफर की, जिस सफर पे हम दुनिया की सबसे अच्छी किताबों से पढ़ाई करना सीखें। मैं कह रहा हूं पढ़ाई करते कैसे हैं ये सीखें, ये सीखेंगे आज उस कड़ी में से हम पहली कड़ी में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत चीजें समझ में आ। नाउ क्यूरियोसिटी एक है, वाई एक है, आंखों में चमक आना चाहिए, चेहरे का कलर बदलना चाहिए, ये टीचर का फीडबैक होता है। लेकिन और एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ पर एक गेस्ट ऑफ ऑनर आए हुए हैं आज, अलमीन ने हमें अपना जूम दिया हुआ है, गियासुद्दीन भाई जो मेरे सबसे करीब हैं उनकी वजह से इतने सारे लोग एक साथ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे जो डॉक्टर आए हुए हैं कुवैत से, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं कुवैत के, उनका नाम है डॉक्टर आदिल साहब। मैं उनको साहब कहता हूँ, बड़ा भाई कहता हूँ, भाईजान कहता हूँ। बीच में मेरी आवाज़ चली गई थी तो मैं उनको मैसेज करने में बहुत डरता था रात को, लेकिन ग्रेटेस्ट सरप्राइज, जब मैं डर रहा होता था और शर्म के मारे उन्हें मैसेज नहीं करता था तो उनका मैसेज उतनी रात को आता था। ही वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड कि कैसी है आवाज़, क्या हुआ है। He had a great desire to know about me, to understand my difficulties, to understand my dilemmas. He's exceptionally gifted, huh? बहुत sympathetic, बहुत kind इंसान। जितनी बार मैं frustrating experience में जाता था उतनी बार he used to listen. यहां पढ़ने का चौथा नियम है जो मैंने उनसे सीखा है, ध्यान से सुनना। आपने कभी गौर किया है कि इंग्लिश के वर्ड लिसन में जितने अल्फाबेट हैं, साइलेंट में भी उतने अल्फाबेट हैं। पढ़ने का चौथा नियम होता है यू हैव टू लिसन। लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है। जब हम क्यूरियसली अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ किसी को सुनते हैं तो हम उससे एक रिश्ता कायम करते हैं। जब उसकी बोली हुई बातों को सुनकर हम उस पर और सवाल उठाते हैं तो रिश्ता गहरा होता है। और जब वो जवाब पूछे हमें एक्सपर्ट मानकर, जैसे मैं उनसे पूछता हूं, तो वो अपना सारा विसडम जमा करके जब जवाब देते हैं तब वो रिश्ता एकदम मजबूत हो जाता है। पढ़ने का अगला नियम याद रखना, यू हैव टू बी साइलेंट एंड लिसन। And while listening, you will have to give your undivided attention. क्यों? जिस दिन एग्जाम में ये सवाल आएगा ना और आपको नहीं आता होगा, उस दिन सारी दुनिया का undivided attention लाकर, आप उसका जवाब ढूंढना चाहे। तो सुनते वक्त आपको डॉक्टर आदिल साहब की तरह सुनना है कि आई एम मोर क्यूरियस, आई एम मोर इंटरेस्टेड, मुझे बताओ। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। इसका मतलब फिफ्थ नियम क्या है, ध्यान से सुनना, डू नॉट रीड इन स्टेटमेंट्स बट कीप आस्किंग क्वेश्चंस ऑन ईच स्टेटमेंट। हर क्वेश्चन पे सवाल पूछो, हर सेंटेंस पे क्वेश्चन पूछो। जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन अपने दिमाग में उठाओ और फिर उन सवालों का जवाब ढूंढो। जब हम एक छोटी सी चीज को कई सवालों में तोड़ते हैं ना तो उससे अच्छा और बेहतरीन दुनिया में कुछ और समझ में नहीं आता। और जितने माँ बाप आ जाए हुए ना वेबिनार में, मैं उनसे कह रहा हूं, जब आपका छोटा बच्चा आकर आपसे कहे ना कोई बात,
तो मोबाइल में देखते हुए मेरी तरह मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे भी माफी मांगनी चाहिए अपने बच्चों से। हाँ अच्छा, ओ ये आर्टिफिशियल एक्सप्रेशंस जो हम अपने चेहरे पे बनाते हैं ना, इससे रिश्ता कमजोर होता है। बच्चे से रिश्ता गहरा करना ना, मोबाइल साइड में रखिए। वो एक सवाल पूछ रहा है ना, आप पलट के 3 सवाल पूछिए, उसे और सोचने पे मजबूर करिए। और सोक्रेटीज, उनका ये तरीका था पढ़ाने का क्लास में, जो आज नियम नंबर 5 के तहत आ रहा है। वो कभी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, वो ऐसे सवाल पूछते हर लाइन पर कि उनका बच्चा अपने आप पढ़ने लगता। IAS की बैच में मैं ऐसे ही करता हूं, मुझे सीलो ग्रीनरी जो हड़प्पा में मिली है वो पढ़ाना है। मैं उसकी जगह ये पूछता हूं, कितने लोगों ने यूपी बिहार के हाईवे पे ड्राइव किया है? कुछ लोगों ने किया है। बिहार के हाईवे पे क्या आपने मिट्टी की ये जगहें देखी हैं जिसमें अनाज स्टोर होता है? कुछ लोग कहते हैं हाँ सर देखी है। आपको पता है इसे गोबर से और मिट्टी लगा के पूरा बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? ताकि सर बाहर का जो एटमॉस्फियर है वो गेहूं को खराब ना करे। चलिए मैं आपको फोटो दिखाता हूं, हड़प्पा में ऐसे ही करते थे। हड़प्पा में ग्रेनरी को चारों तरफ से बंद कर देते थे ताकि बाहर का वातावरण उस अनाज को खराब ना करे। अब क्वेश्चन सुनिए जो यूपीएससी में आता है, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन से कौन कौन सी लीगेसी है जो हमारी सभ्यता में बरकरार रह गई? आप पढ़ाइए मत या पढ़िए मत, आप लगातार एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए। और किसी से पढ़ाई नहीं करनी है, रिश्ता गहरा करना है ना, तो उसकी हर बात में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना शुरू करो। अगर वो छोटा बच्चा है या आपके घर वाले हैं ना, तो उसके एक सवाल के बदले उसी सवाल पे 3 सवाल पूछो। रिश्ता पक्का भी होगा पढ़ाई से भी, उसके साथ भी। एंड दैट इज वॉट डॉक्टर आदिल इफेक्ट इज। बिल्कुल, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ये पढ़ने का तरीका जो है सिखाया। अब मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। आई वॉन्ट यू टू सी कि मैं जो बोल रहा था वो क्या है और कैसे आपको मिलेगा। 1 सेकेंड, आपके पढ़ने के तरीके को देखिए मैं किस कदर गहरा बना रहा। तो मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत शानदार चीज, जिसको देखने के बाद आपको महसूस होगा कि यार ये तो बहुत ही बड़ी चीज थी जो हमें नहीं पता थी। ये देखिए, हमारी कौम में, खासकर मुस्लिम्स में, बहुत लोग मर रहे हैं, रोज जीनोसाइड हो रहा है, उसी में डिप्रेशन में आ गया, हम सब आए हुए हैं डिप्रेशन। तो एक दिन मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था, उसमें मैंने ये देखा कि आग लग गई जंगलों में, कई हजार किलोमीटर के दूर दूर तक जंगलों में बेतहाशा आग लग गई, बड़े बड़े लकड़ी के ठुट्टे जलने लगे। मुझे गाजा की याद आ गई, अल्लाह पाक, घर के घर बिखर गए, सामान बिखर गए, और इस कदर बड़ी आग लगी कि उसकी लपटें आसमान तक उड़ी। जब सब जलकर खाक हो गया तो यहां देखिए क्या हुआ, पुराने पेड़ भी जले, नए पेड़ भी जले, और 200-200 साल पुराने कुछ पेड़ भी जले। उसके बाद जमीन तड़क गई और धूल की एक आंधी आई। इस धूल की आंधी ने पता है क्या किया, इस राख को बहुत दूर तक फेंक दिया। मैं आपको वो धूल की आंधी दिखाना चाहता, देखिए यही हाल है अभी हमारी कौम का, यही हाल है, दूर दूर तक पेड़ों के तने जले हुए। उसके बाद ये धूल की आंधियां आती हैं और इस धूल को उठाकर दूर तक बिखर देती, बहुत दूर तक बिखेर देती। सुनना, इसको समझोगे तभी अगला पढ़ाई करने का नियम समझ में आएगा। देख रहे हो धूल उठाकर कहां तक फेंक आ रही है? दरअसल ये धूल नहीं है, ये राख है, और इस राख में फास्फोरस बहुत ज्यादा है, और फास्फोरस एक ऐसी खाद है जिससे छोटे पौधे बहुत तेजी से पनपते हैं। अगर किसी छोटे पौधे को जर्मिनेट करके प्लांट के साइज का, या छोटे पौधे को जर्मिनेट करके ट्री के साइज का करना है, तो उसे फास्फोरस देना चाहिए। जब मैं ये हाल देखकर मायूस हुआ कि क्यों इन जंगलों में आग लगी और इतने दूर तक ये राख के बवंडर फास्फोरस को फैला के आ रहे हैं, तब तक नरेटर ने मुझे इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, इससे
जंगलों में जो गर्मी की वजह से मिट्टी में तड़क पैदा हुई थी ना, उस तड़क में नन्हे जर्मिनेशन कोपले थी। इन कोपलों को जैसे ही फास्फोरस मिला, ये पनपना चाहती थी, और पनपने की एक बड़ी वजह थी, पूछो क्या? जब तलक ये बड़े पेड़ जिंदा थे, इन छोटे नन्हे पौधों पर सूरज की रोशनी नहीं आने देते थे, और इन बड़े पौधों ने, बड़े पेड़ों ने अब ऑक्सीजन बनाना भी बंद कर दिया था। तो कुदरत का निजाम देखो, उसने इन सारे पेड़ों को जला दिया। अब सूरज की रोशनी तड़क में आ रही है, और वहां फास्फोरस के प्रेजेंस में आने वाली सनलाइट इन नन्हे पौधों को नई जिंदगी दे रही है, और ये नन्हे पौधे अब वो पेड़ बनेंगे जो अगले 200 साल इस जंगल को ऑक्सीजन देंगे। ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। अगर ट्रीज अभी भी बरकरार रहते तो सूरज की रोशनी नहीं आती, और ये नन्हे पौधे कभी जर्मिनेट नहीं होते। इसलिए ये सारे बड़े पेड़ जल गए, और अब नन्ही कोपले देखो फास्फोरस के और सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे निकल रही हैं, और ये वो पेड़ बनेंगी जो अगले 200 साल इस पूरे जंगल को ऑक्सीजन देगी। डिस्ट्रक्शन जर्मिनेशन, डिस्ट्रक्शन जर्मिनेशन, है ना? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना जो मुझे बताना है। ये देखो बड़े बड़े पेड़ बनेंगे ये नन्हे पौधे, और फिर ये ऑक्सीजन पैदा करेंगे, और ये इवेपो ट्रांसपिरेशन से एक नदी बहाएंगे जो आसमानों में जाएगी। पढ़ने का नियम नंबर 6 याद रखना, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। ये आइंस्टाइन ने बोला था, आज रात को घर जाके गूगल करना है। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन, और जो मैंने अभी किया मैं करके दिखाता हूं। एसे के पेपर में लीडरशिप पे क्वेश्चन था, जंगल की आग से एग्जाम्पल लेकर आईएएस का बच्चा लिखता है कि जैसे पेड़ों के बड़े बड़े लकड़ी के ठुट्ठों को आग ने हमेशा के लिए जला दिया, और नन्ही कोपले अब नई लीडरशिप देने के लिए आगे आ रही हैं। ठीक उसी तरह किसी कम्युनिटी पे जब अजाब आता है, उसकी बड़ी बड़ी कयादतें जल जाती हैं, और उसके छोटे छोटे बच्चे 753 की तादाद में किसी वेबिनार में सूरज की रोशनी लेने आते हैं। अब ये वो बच्चे हैं जिनमें से कुछ पेड़ बनेंगे, और अगले 200 साल वो इस जंगल को ऑक्सीजन दें। क्या ऐसा पेपर ऐसे का आपके सामने आता तो क्या आप उसे नंबर नहीं देते? क्या कहीं ना कहीं से उठाया हुआ एग्जाम्पल किसी और सब्जेक्ट में लगाना? इसे कहते हैं एबिलिटी टू क्रॉस पॉलिनेट। लिखिए इस बात को, एबिलिटी टू क्रॉस पॉलिनेट का मतलब सीखी हुई बात किसी एक सब्जेक्ट की किसी और सब्जेक्ट में लगाना। एबिलिटी टू क्रॉस पॉलिनेट जब तक आप में पैदा नहीं होगी, जिस पढ़ाई की बात आप करना चाह रहे हैं वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। ठीक है, जैसे जंगलों की आग ने जंगलों के निजाम को बताया, ठीक इसी तरह किसी कौम और उसके कौम की लीडरशिप में ऐसा होता है। उसके लीडरों को अंदर कर दिया जाता है, या मर जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं, तो फिर नीचे से एक पौध निकलती है जिसे हम शाहीन बाग कहते हैं, उन पर सूरज पड़ता है, फिर वो एक लीडरशिप प्रोवाइड कर। ये एबिलिटी टू क्रॉस पॉलिनेट, इसे एनालॉजी भी कहते हैं, एग्जाम्पल किसी एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में यूज करना। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये एक पहचान होती है। सुनना किस बात की पहचान? ये आपके कंसेप्ट के क्लियर होने की पहचान होती है, ये आपके कंसेप्ट के क्लियर होने की पहचान होती है। आई होप आपको ये बात बहुत गहराई से समझ में आई है कि पढ़ना कैसे चाहिए। सही है, मैं एक लाइन आपको पढ़ाना चाहता हूं, अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये देखिए, रिलीजन एंड साइंस आर द टू डिफरेंट लैंग्वेजेस डिस्क्राइबिंग द सेम गॉड। रिलीजन और साइंस दो अलग अलग लैंग्वेज हैं जो सेम गॉड को डिस्क्राइब करती है। कैसे, मैं बताना चाहता हूं कैसे। आई वॉन्ट टू शो यू, मैं उसको पहले दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको एक बात पता है, सफेद जो कलर होता है उस सफेद कलर में सूरज की रोशनी को बिना हीट किए रिफ्लेक्ट करने की ताकत होती है। अल्लाह ने जब सफेद रंग बनाया था
तो उस सफेद रंग में ये तासीर रखी थी कि उस पर इंसिडेंट सूरज की रोशनी सनलाइट को बिना हीट किए वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। इसे कहते हैं अल्बीडो। अल्बीडो का मतलब आईएएस का कंसेप्ट है, अभी इतने डिटेल में नहीं जाना। अगर सूरज की रोशनी आई तो सफेद रंग उसे रिफ्लेक्ट कर देता है बिना हीट किए। ठीक है, इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अब मैं एक नई बात बताता हूं, पढ़ने का अगला नियम क्या है, ध्यान से सुन। आपने आर्कटिक और एंटार्कटिक देखा है? सबने देखा है। क्या आर्कटिक और एंटार्कटिक सफेद कलर का होता है? बिल्कुल होता है। किस वजह से? वहां बर्फ होती है, बर्फ का सफेद कलर होता है। ठीक है, क्या वहां सूरज की रोशनी स्लांट आती है? स्लांट आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्लांट आता है, स्लांट आता है। तो क्या वो सफेद रंग उस सूरज की रोशनी को आसमान में बिखेर देता है? हाँ बिखेर, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। हाँ वापस रिफ्लेक्ट कर, बिना हीट किए बर्फ अपने सफेद रंग से सूरज की रोशनी को क्या वापस रिफ्लेक्ट कर देती है? जी हाँ कर देती। इसका मतलब जितना बड़ा आर्कटिक का बर्फ की चादर होगी और एंटार्कटिक के बर्फ की चादर होगी, उतनी सूरज की रोशनी हमारी पृथ्वी को बिना हीट किए आसमान में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। जी इसका मतलब है आर्कटिक और एंटार्कटिक के बर्फ की चादर बड़ी होना चाहिए। बड़ी चादर, सफेद रंग, सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट, ग्लोबल हीटिंग कम हो जाएगी। हाँ बड़ी होना चाहिए। अब बड़ी कैसे करें, ध्यान से सुनना, बड़ी कैसे करें ध्यान से सुनना। अल्लाह ने आर्कटिक में एक रेनडियर बनाया। रेनडियर एक हिरन होता है जो आर्कटिक में होता है, उसका एक ही काम होता है, क्या होता है? ढूंढ ढूंढ कर घास को चरना। एंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, रशिया की जमीन पर जहां घास हो, नॉर्वे में, उसे ढूंढ ढूंढ कर, कनाडा में ढूंढ ढूंढ कर वो चरता है। क्यों? जहां घास होती है वहां बर्फ की चादर नहीं बन पाती, वो जल्दी पिघलने लगता है। क्यों? वो जो ग्रीन कलर है ना पत्तियों का, वो गर्मी लाता है जिससे बर्फ पिघलता है। तो चरते 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 रेनडियर बहुत मोटा हो जाता है, सुस्त हो जाता है। अब वो और घास नहीं चढ़ना चाहता, नए इलाके में नहीं जाना चाहता। तो उसे नए इलाके में जाना जरूरी है, क्यों? वो घास साफ नहीं करेगा तो ये बर्फ यानी ग्लेशियर मोटा नहीं होगा, फिर सफेद रंग ज्यादा नहीं होगा, तो फिर इंसिडेंट सनलाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? तो अल्लाह ने पता है क्या बनाया? अल्लाह ने वहां पर उसे खदेड़ने के लिए स्नो लियोपार्ड और भेड़िए बनाए। अब भेड़िए क्या करते हैं? ये सुस्ता रहे रेनडियर खा खा के जो मस्त हो गए, इनको खदेड़ने के लिए इन पर घात लगाते हैं और फिर पूरी ताकत लगा के इनमें से सबसे कमजोर का शिकार करके वो अपना पेट भरते हैं। और उस कमजोर का शिकार करने के लिए जब वो तेजी से दौड़ाते हैं सारे रेनडियर को, तो पता है क्या होता है? मैं दिखाता हूं पहले क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा कि इसके पढ़ने का तरीका, तरीके से क्या लेना देना। फर्स्ट लेट मी शो यू एंड देन वी गो फॉरवर्ड। आई वॉन्ट यू टू सी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। उसके बाद देखना कितना मजा आएगा जब मैं बताऊंगा कि अगली चीज कैसी होती। तरीके से पढ़ाई करते हैं और गहराई को नापना जानते हैं, उनके लिए एक सवाल पूछता हूँ एनवायरमेंट के क्लासेस से, यूपीएससी की। क्या हम सबका एग्जिस्टेंस इस प्लैनेट अर्थ पे, क्या हम सबका अस्तित्व बहुत हद तक रेनडियर, टुंड्रा में पाए जाने वाले एक हिरन मृग की टांगों पर डिपेंड करता है? अब मैंने सवाल पूछ लिया, अब मैं जवाब पे सीधा ले चलता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी। तो ये देखिए रेनडियर है और ये रेनडियर ढूंढ ढूंढ के अभी से बच्चा हुआ है, और कमजोर टांगों वाला बच्चा पैदा हुआ है। देखिए क्या होता है फिर, जिसने हम सबको आपस में इंटीग्रेटेड किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे माँ उसे खड़े करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी भी उसके किस हुनर पे डिपेंड करेगी कि वो कितना जल्दी खड़ा हो जाए। और हम सब की जिंदगी भी, जो हम लेक्चर सुन रहे हैं,
इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये कितने जल्दी खड़ा हो जाए, बस कुछ ही मिनटों में ये साबित हो जाए। अपनी कांपती टांगों से ये खड़ा होता है, लेकिन इसे पैदा ही दौड़ने के लिए किया गया है, कुदरत ने इसे बनाया ही है दौड़ दौड़ कर घास चरने के लिए। शुरुआत में इसके पैरों में वो ताकत नहीं है। अब यहां पर एक बहुत सोचने का मुकाम है, इंसान का बच्चा चलने में 9 महीने से 10 महीने से 11 महीने लेता है, और हिरन का बच्चा 9 से 10 से 11 मिनट लेता है, क्योंकि जितना तेज वो खड़ा होगा उतना तेज वो बच पाएगा। फिलहाल इसके सबसे सुरक्षित जगह अपनी माँ के पैरों के बीच में है। अब ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो दिख रहा हूँ, घास एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये घास देखिए, घूम घूम के घास खाते हैं, वो करना सीख लेता है जिसके लिए से पैदा खदेड़ना, खदेड़ते वक्त झुंड से जो एक, अब भेड़िए खदेड़ रहे हैं, भेड़िए देखिए, भेड़िए हैं झुंड को खदेड़ रहे हैं, ये झुंड दौड़ रहा है, ये भेड़िए हैं खदेड़ रहे हैं, अब देखना क्या होता है, ध्यान से देखना। अपने झुंड का पेट भरना, झुंड से अलग हुए रेनडियर भेड़ियों के झुंड के काम आता है। देखिए कैसे काम आता है, बाकी झुंड बच गया, जो अलग हुआ वो शिकारियों के हत्थे चढ़ गया, लेकिन भागते हुए मोटी बर्फ की चादर इनकी रफ्तार को कम कर दिए। रेंडियर की अगर रफ्तार कम होती है तो इस मोटी बर्फ की चादर से गुजरते हुए छोटे पैरे वाले भेड़ियों की भी रफ्तार और कम होती है, और ये भी थकने लगते हैं। अब इसके आगे, क्योंकि वेबिनार में इतना टाइम नहीं है, बाकी लेक्चर में देखना। भेड़ियों को खदेड़ा, भेड़िए दौड़ने लगे, बर्फ की चादर में से गुजरने लगे, थकने लगे। अगर रेंडियर थकने लगे तो छोटे पैर वाले भेड़िए भी थकने लगे, थक कर इतने लुस्त हो गए कि अब वो और हरी घास ढूंढने लगे। उन्हें हरी घास जहां दिखी वहां जाकर उसको उन्होंने सफा चट कर दिया। जितनी हरी घास को उन्होंने सफा चट किया, बर्फ की चादर उतनी दूर तक और मोटी मोटी फैलने लगी, और बर्फ की चादर जितने दूर दूर तक फैलने लगी उतना सूरज की रोशनी वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होने लगी, उससे हमारी पृथ्वी गर्म होने से बच गई। इसका मतलब रेनडियर का घास खाना और भेड़ियों को उनका खदेड़ना आपके और मेरे जीवन से रिलेटेड है। अगर भेड़िए उन्हें दौड़ाएंगे नहीं और वो नई नई जगहों की घास खाएंगे नहीं, तो ग्लेशियर की चादर उतनी मोटी होगी नहीं, तो सूरज की इंसिडेंट सनलाइट उतनी रिफ्लेक्ट होगी नहीं, और ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया के ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आया क्या? अमेजन के रेन फॉरेस्ट में, पहले सुन लो फिर हाथ उठाना, अमेजन के रेन फॉरेस्ट में इवेपोट्रांसपिरेशन अफ्रीका की किस्मत को लिखता है, और रेनडियर का भेड़ियों द्वारा खदेड़ा जाना वो दुनिया में हम सब की किस्मत को लिखता है। ये कनेक्शंस, ये इंटर रिलेशंस जिसने पढ़ाई करते वक्त पकड़ लिए, वही स्कॉलर बना, बाकी सब सिर्फ पास होने का ढोंग कर रहे हैं। समझ में आई है मेरी बात? उठाओ जरा हाथ। समझ में आई है मेरी बात? उठाओ जरा हाथ। इसे कहते हैं इवॉल्विंग ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया का इवॉल्व होना। ये आइडिया आया कहां से और जा कहां तक रहा है, कहां से आया है कहां तक जा रहा है, इवॉल्यूशन, इवॉल्वमेंट। जब आप किसी चीज को पहली बार पढ़ते हो ना, तो पहले उस आइडिया को यहां ले लो, लेकिन फिर उसके इंटर रिलेशंस, उसके कनेक्शंस, उसके इवोल्यूशन पर ध्यान दो। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना 3 महीने के लिए, तो सबसे पहली चीज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, वो किताब कैसे पढ़ते हैं ये पढ़ाओ। बहुत ध्यान से सुनना और तेजी से पेन चलाना। मैं बहुत बड़ा लेक्चर है 9 घंटे का कि किताब पढ़ते कैसे हैं, मैं उसमें से 15 मिनट कुछ सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हर अच्छी किताब उसकी 3 रीडिंग्स होती है, लिख लीजिए फटाफट, 3 रीडिंग्स।
एवरी गुड बुक डिजर्व्स थ्री रीडिंग. पहली रीडिंग क्या है, ध्यान से सुन. पहली रीडिंग में आपको रुकना नहीं है, पढ़ के सरसरी तौर पे, सुपरफिशियल तौर पे समझते हुए चलना. रुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, सोचना नहीं है, बस उसको सरसरी तौर पे पढ़ना है जितना जल्दी हो सके. स्पीड रीडिंग करके पहली पहली रीडिंग किसी किताब की खत्म कर. स्पीड रीडिंग कैसे करते हैं वो प्रोग्राम में समझाओ. तेजी से पढ़िए, तेजी से गुजरिए, और चैप्टर के खत्म होने के बाद क्या आप वो चीज जो अभी पढ़कर आए हैं एक पैराग्राफ में समराइज कर सकते हैं? क्या आप वो चीज जो अभी पढ़कर आए हैं किसी 4 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चे को आसान लफ्जों में समझा सकते हैं? इसे फर्स्ट रीडिंग कहते हैं. फर्स्ट रीडिंग में पूरा चैप्टर नहीं चाहिए, फर्स्ट रीडिंग में हमें सिर्फ सेंटर पीस चाहिए उसका, बिल्कुल उसका क्रक्स चाहिए. क्यों ये चैप्टर लिखा गया, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, बस इतना ही चाहिए. क्या हम पूरी किताब, जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना तो मैं पूरी किताब आपसे, पूरी किताब एक पैराग्राफ में समराइज करवाऊं, तो क्या हम एक पैराग्राफ में इसको समराइज कर सकते हैं? हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, हु व्हाट व्हेन व्हाई वेयर कुछ नहीं. क्या पूरी पैराग्राफ थोड़े से लफ्जों में अपने दोस्त को बता सकते हैं या एक 4 साल के बच्चे को पढ़ा सकते हैं? इसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग. फिर बता सेकंड रीडिंग में क्या होता है. सेकंड रीडिंग में अब आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में पता है, तो कोई किताब क्या होती है, ध्यान से सुनना, उस सेंट्रल आइडिया ने कैसे कैसे अपने आप को इवॉल्व किया, वो कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स से गुजरा, और उस जर्नी ऑफ द सेंट्रल आइडिया वो किन किन चेंजेस से गया, उसने अपने आप को इवॉल्व कैसे किया, इस बात को धीरे धीरे समझने को सेकेंड रीडिंग कहते हैं. फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ सेंट्रल आइडिया, एक पैराग्राफ की समरी, छोटे से बच्चे को आसान लफ्जों में समझा. सेकेंड रीडिंग में अब सेंट्रल आइडिया इवॉल्व कैसे हो रहा है, धीरे धीरे कैसे बदल रहा, द जर्नी ऑफ द सेंट्रल आइडिया, द जर्नी ऑफ द सेंट्रल आइडिया. उसको पढ़ते समय रुक रुक के सोचना है, व्हाट इफ आई वॉज द सेंट्रल आइडिया. अगर आरबीसी पे पढ़ रहे हो तो अपने आप को आरबीसी बन के सोचो, What are your obstacles? What are your options? अगर environment का chapter पढ़ रहे हो तो अपने आप को Amazon का rainforest बन के सोचो. अगर गांधी जी बन पढ़ रहे हो तो गांधी जी बनकर सोचो, सोचो आपके obstacles क्या है, आपके options क्या है, आपने क्या decision लिया होता. UPSC में Chat GPT आने के बाद mains में पता है कैसे सवाल आते हैं, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते, वो तो बहुत मशहूर है. एक और क्वेश्चन सुनाता हूं, इंडिया का इतिहास कुछ और होता अगर गांधी जी ना होते, बताइए कैसा होता 300 वर्ड्स में. या खुदा, मैंने तो कभी सेंट्रल आइडिया बन के सोचा ही नहीं, मैंने तो गांधी जी के ऑब्स्टेकल्स, उनकी स्टोरी पे इतना ध्यान दिया ही नहीं, आज वो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं अगर गांधी नहीं होते तो देश का इतिहास कुछ और होता. इतनी लड़ाइयां पानीपत में क्यों हुई, मैंने तो पानीपत बन के कभी सोचा ही नहीं, मैं तो पढ़ने में इतना बिजी था कि मैंने इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और उसका जो गेट दिल्ली है और दिल्ली से 90 मील दूर जो पानीपत है वो बन के तो सोचा ही नहीं. सेकंड रीडिंग हमेशा सेंट्रल कैरेक्टर खुद बनकर इमेजिन करना पड़ता है कि मैं कैसे कैसे चेंज हो रहा हूं, कैसे कैसे इवॉल्व होता हूं, इसे सेकेंड रीडिंग. You have to very cleanly break the story, बहुत क्लीन से उसके 3 पार्ट करी और हर पार्ट में रुक रुक कर अपने आप को उसकी जगह रख कर सोची. और फिर आती है थर्ड रीडिंग, ध्यान से सुनना क्या होती है थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग में क्या अब आप इस किताब को इससे अच्छे अल्फाजों में और इससे कम अल्फाजों में, इससे खूबसूरत और इससे बेहतर लिख सकते हैं, इसे कहते हैं थर्ड रीडिंग. Can you express? Do you have the words better than what are written in the book? Can you improvise? क्या आप इस concept को कुछ बढ़ा कर बता सकते हैं? That is the third reading. जब तक आप किसी topic की ये 3 reading नहीं करते और ये notes लेना छोड़ दो market से और ये जेरोक्स करवाना छोड़ दो, चैट जीपीटी तुमको बुलडोजर के नीचे दबा के कुचल के मार दे,
पहला द सेंट्रल आइडिया, सेकंड द जर्नी एंड द इवोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल आइडिया, थर्ड नाउ आई विल एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया बेटर देन व्हाट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द बुक। ये तीन रीडिंग के बाद नाउ यू आर डन। पहली बैच में बहुत सारे बच्चे थे जिनको जिन्होंने उस आइडिया को बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, वो पढ़ते रहे, वो रुके नहीं, उन्होंने रुक कर सोचा नहीं। द एलिमेंट्स ऑफ द थिंकिंग, द एलिमेंट्स ऑफ द थिंकिंग, डू आई हैव द मोर बेटर वर्ड्स, क्या मैं इसे और छोटा लिख सकता हूं बिना इसके वो खोए, दिस इज वॉट दिस एज ऑफ ए आई इज आस्किंग फ्रॉम यू। अगर चैट जीपीटी को हराना चाहते हो ना, तो इन तीन रीडिंग और ये तरीके के बिना नहीं हो पाएगा। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? आई है तो एक बार हाथ उठा के फीडबैक दो, वरना पढ़ते रहो और तुम्हारी नौकरियां अगर चैट जीपीटी ने नहीं छीन ली तो बोलना। हमने एक मेल लिखा था, उसका सब्जेक्ट यही डाला था, 5 साल बाद इस मेल को ढूंढोगे कि किसी ने हमें पढ़ने का तरीका समझा, किसी ने हमें पढ़ने का तरीका समझा। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं और फिर आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग एंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैं पैशनेटली क्यूरियस हूं। वॉल्ट डिज्नी ने कहा कि एक बार सेंट्रल आइडिया मुझे समझ में आ जाता है ना, तो मैं नए नए दरवाजे खोलता रहता। मैरी क्यूरी ने कहा कि मैं लोगों के बारे में भी क्यूरियस हूँ, आइडियाज के बारे में ज्यादा क्यूरियस हूँ। ये सब मैंने आपके पावर पॉइंट में डाल दिया है जो आपको एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो कुछ और है। ध्यान से देखना मैं क्या दिखाना चाहता हूं। जो सच में पढ़ा लिखा होता है, अगला नियम सातवां या आठवां होगा, ये अगला नियम एट रूल, जो सच में पढ़ा लिखा होता है ना, वो किसी भी चीज से सीख सकता है। लिख लीजिए पहले इस लाइन को, फिर समझा। जो किताबों की तीन रीडिंग करता है ना, उससे हर चीज में अब कुछ ना कुछ दिखने लगता, वो चैन से नहीं बैठता। मैं इलेक्शन का एनालिसिस कर रहा था, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया, बड़ी दुआएं दी। मेरा सीट प्रेडिक्शन गलती से भी सच हो गया कि बीजेपी को 240। अब सारी दुनिया मुझसे पूछ रही है कि, देखिए ग्यासुद्दीन भाई मुस्कुरा दिए, अब सारी दुनिया मुझसे पूछ रही है कि बीजेपी की इतनी कम सीटें क्यों आई, वैसे बहुत कम तो नहीं आई लेकिन कम क्यों आई। मैं आपको ना न्यूज़पेपर में से काटी हुई 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप मुझे बताइए बीजेपी की सीटें कम क्यों। अगला नियम क्या है, पढ़ा लिखा इंसान किसी भी चीज में सही रीजन देख लेता है। अब देखना ध्यान से, मैं कुछ दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये देखिए फर्स्ट फोटो, पहचानते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री है माननीय, देख रहे हैं मालदीव्स के ट्रांसपेरेंट समुंदरों में। दूसरी फोटो, दो सेवकाएं हैं जो जैकेट बांध रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, बिल्कुल जैसे कोई बादशाह जाता है पानी के अंदर ना। तीसरी फोटो, बाकायदा सही पोज में सही फोटो लेने के लिए एक कुर्सी लाके रखी गई। हाँ अब मैं कुछ बता रहा हूँ, हाँ देखना। पहले एक बार और दिखाऊंगा तीनों फोटो, पहली फोटो, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, बीजेपी क्यों हारी, चौथी फोटो। पहले तो हाथ उठा के ये बताओ कितनों को समझ में आया। पक्का कितनों को समझ में आया। अब मैं चाहता हूं चैट में जाकर इसे सिर्फ एक सेंटेंस में लिखो, क्यों हार। पहली फोटो याद करो, दूसरी फोटो याद करो, तीसरी फोटो याद करो, चौथी फोटो याद करो। नहीं, भाषा की मर्यादा नहीं छोड़ना, भाषा की मर्यादा नहीं छोड़ना है, हमें बहुत पढ़ा लिखा बनना है। अब सुनना, जिसने आईएएस टॉप किया है उसने मुझे मैसेज किया था, ठीक है, पिछले साल का स्टूडेंट, उसने मुझे मैसेज किया था और कितनी अच्छी बात बोली थी, ध्यान से सुनना। क्या उसने कहा था, सर ये 4 फोटो देखिए, कार्तिकेयन पांड्यन नाम है उनका, उन्होंने कहा सर ये 4 फोटो देखिए,
उसके नीचे उन्होंने एक लाइन लिखी है, पहली फोटो, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो, चौथी फोटो। उन्होंने कहा इन्हें शहजादा कहते कहते इनकी बादशाही खत्म करते करते खुद वो बादशाह बन गए। और मैं उनका मैसेज कॉपी करके लाया हूं, यहां देखो, इन एन अटेम्प्ट टू डी इंपीरियलाइज हिम, साम्राज्यवाद से हटाते हटाते, इन एन अटेम्प्ट टू डी इंपीरियलाइज हिम ही बिकेम इंपीरियलाइज। ही बिकेम इंपीरियलाइज इन एन अटेम्प्ट टू डी इंपीरियलाइज हिम ही बिकेम इंपीरियलाइज। पढ़ने का नौवा नियम, आपको हम कहेंगे पढ़ा लिखा तब जब आप अपना बहुत सारा समझा हुआ बहुत कम लफ्जों में हमें समझा सकते। हम आपको कहेंगे पढ़ा लिखा तब जब अपना बहुत सारा समझा हुआ आप हमें एक सेंटेंस में समझा सकते हैं, और ऐसा तभी होता है जब बुक की तीन रीडिंग। कितना छोटा सेंटेंस था, वो रैंक होल्डर है, कितनी खूबसूरत बात लिखी उसने। सर मैं पूरा इलेक्शन आपके लिए समराइज कर रहा हूं, वो पब्लिक सलून में दाढ़ी बनवा रहे, वो इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, क्या मतलब है? आपका हो गया है, कहते हैं ना मेरा हो गया, कब हुआ? व्हेन यू हैव एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट इन फ्यू वर्ड्स। इसलिए इस प्रोग्राम में हम आपको मंडे को एक वोकैबुलरी देंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे तक आप उस वोकैबुलरी को तैयार करोगे, और सैटरडे के दिन हम उस वोकैबुलरी पर एक टेस्ट लेंगे। क्यों? बिना अपने आप को एक्सप्रेस किए चैट जीपीटी के जमाने में हमारा कोई भविष्य? वर्क ऑन द वोकैब्स डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, ये 10वां नियम है पढ़ाई करने का, लिखिए। डीप वर्क ऑन वोकैबुलरी, डीप वर्क ऑन वोकैबुलरी डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, डीप वर्क ऑन वोकैबुलरी डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। मैं लाया तो बहुत सारी चीजें था, लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, इसलिए मैं अब थोड़ा थोड़ा समेटना शुरू करता हूं। पहले एक चीज दिखा दूं, उसके बाद तेजी से समेटू। पक्का? एक बार और जोश बढ़ाने के लिए हाथ उठा सकते हो, मैं दिखा दूं, उसके बाद चलते हैं। आई वॉन्ट यू टू सी समथिंग वेरी मैजिकल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे चलते। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आपको पढ़ा लिखा तब कहेंगे जब आप किसी भी चीज से सीख सकते हो, उसे बहुत कम लफ्जों में एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूं किस चीज से सीखा जा सकता। 1964 में जापान ने एक बुलेट ट्रेन निकाली। जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन कहते हैं। पहले ध्यान से सुनना, 1964 से 2024 पूरे 60 सालों में बुलेट ट्रेन का आज तक कितने एक्सीडेंट हुए? ध्यान से सुनना, 60 सालों में बुलेट ट्रेन के 0 एक्सीडेंट हुए। क्यों? इसको बनाने वाले जो इंजीनियर थे ना, वो बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर, बर्ड वॉचर मतलब पंछियों को देखा करते थे और उनकी ड्राइंग्स बनाया करते थे और उन्हें अपनी इंजीनियरिंग में यूज किया करते थे। मैं दिखाना चाहता हूं, पहले वो देखो, 0 एक्सीडेंट्स। एंड अलीम भाई हैं, वो बता रहे हैं 2 बार डिरेलमेंट हुआ था, कोई किसी की जान नहीं गई और 0 एक्सीडेंट्स हुए। देखिए, ये जापान से भी ताल्लुक रखने वाली नॉलेज बताने वाले लोग हैं, और जापान से भी आज रजिस्ट्रेशन हैं। अल्लाह करे वो भी आए हो, क्योंकि उन्हीं की कंट्री की एक खूबसूरत चीज दिखा रहा हूं। अब 1989 में एक प्रॉब्लम आया। क्या? इसका शेप ऐसा था कि जब ये टनल में से गुजरती थी तो इतने जोर से हवा को प्रेस करती थी कि बाहर आवाज के साथ, धमाके के साथ हवा निकलती थी और खिड़कियों के कांच टूट जाते थे। I mean, like
एवरी टाइम इट एग्जिटेड अ टनल इट वॉज लाउड, वेरी लाउड, इतने लाउड थे कि वहां आसपास धमाके जैसा महसूस होता था। क्यों? ये हवा को कॉम्प्रेस करके वैसे निकालती थी जैसे इंजेक्शन दबाने पे पानी निकलता है। ध्यान से देखो। They pushed waves of atmospheric pressure through the other end. The air exited tunnels with a sonic boom that could be heard 400 meters away. In dense residential areas, that was a huge problem. So an engineering team was brought in to design a quieter... एक इंजीनियरिंग टीम को लाया गया और कहा गया कि भाई इसको कैसे डिजाइन करें। तो उसके जो मेन इंजीनियर था उनका नाम था ईजी नकात्सु। अब जापान के वो हजरत हैं हमारे, तो मैं अगर गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो मुझे माफ करना। एजी नकात्सु, इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए। इन्होंने सबसे पहले उस डिजाइन में चेंज किए। क्यों? ये बर्ड वॉचर थे, ये पंछियों को देखते थे। एक सेकंड, ये हैंग हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, बहुत देखने वाली चीज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज यूज की। और क्या यूज किया, वो बहुत देखने वाली चीज है। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त चीज यूज की और इन्होंने अपनी बर्ड वॉचिंग कैपेसिटीज से इसको बदला। So an engineering team was brought in to design a quieter, faster, and more efficient train. And they had one secret weapon. Eiji Nakatsu, the general manager of the technical development department, was a bird watcher. ये बर्ड वॉचर थे, हाँ? देखो इन्होंने क्या किया। Different components of the redesign. ये पेंटोग्राफ है जो बिजली को लाइन में से खींच के बुलेट ट्रेन को देता है। ये आउल के पंख फैलाने से डिजाइन किया उन्होंने पेंटोग्राफ को। उसके बाद पेंटोग्राफ के जो एक एक एंगल थे उन्होंने आउल के पंखों से कॉपी किया। फेदर, डिजाइंड आफ्टर फेदर्स। लेकिन अभी भी धमाके के साथ वो टनल में से निकल रही थी। तो देखिए, सामने का हिस्सा उसकी बॉडी को पेंगुइन से कॉपी किया। उसकी बॉडी को पेंगुइन से कॉपी किया, लेकिन उसकी जो सामने की चोच थी वो उन्होंने किंग फिशर से कॉपी किया। किंग फिशर इज अ बर्ड दैट डाइव्स इनटू वाटर टू कैच इट्स प्रे। The unique shape of its beak allows it to do that while barely making a splash. Nakatsu took that shape to the design table. The team shot bullets shaped like different train nose bottles down a pipe to measure pressure waves and dropped them into water to measure the splash size. The quietest nose design was the one modeled most closely after the Kingfisher's beak. When the redesign debuted in 1997, it was 10% faster, used 15% less electricity. सही है, आवाज आना बंद हो गई, इफिशियंट हो गई, बिजली की खपत कम हो गई, सिर्फ बर्ड वॉचिंग की टेक्निक यूज करके। आउल से वो डिजाइन किया, उसके फेदर से वो डिजाइन किया, पेंटोग्राफ, बॉडी को पेंगुइन से डिजाइन किया और बीक को किंग फिशर जो पानी में कूद कर मछली पकड़ता है उससे डिजाइन किया। उससे इफिशियंसी बढ़ गई, तेज हो गई। आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, डिरेलमेंट विद जीरो लॉस ऑफ लाइव्स हुआ है, अलीम साहब ने बताया। ध्यान से सुनना। ये तब होता है जब हम अपने पढ़े हुए पर सोचते हैं और अपने सोचे हुए को अपने काम में लगाते हैं। इसे बायो मिमिक्री कहते हैं, बायोलॉजी को कॉपी करना, बायो मिमिक करना। इससे दुनिया के बहुत बड़े बड़े मसले हल होते हैं। ईशा की नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए अपनी बात को समेटते हुए बताता हूं। यह है वो पढ़ने का तरीका जिसके बाद ना किसी को हमें पढ़ाना पड़ता है, हम दुनिया को पढ़ाते हैं, ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बहुत साल घसने पड़ते हैं। वो जो मैकेनिकल रिपीटेशन आप करते हो ना, वो तरीका सही नहीं है। वो जो मरने तक आप चीजों को रटते रहते हो ना, वो तरीका सही नहीं है। और उस तरीके से इकट्ठा की हुई नॉलेज
किसी काम की नहीं, क्यों? चैट जीपीटी सारे इंटरनेट की नॉलेज रट कर बैठा है, विकिपीडिया दुनिया के हर लिखी हुई किताब से ज्यादा पन्ने लेकर बैठा है, यूट्यूब हर चीज पर वीडियो लेकर बैठा है। पर दुनिया को जिस इंसान की जरूरत है वो ये नहीं है, वो इंसान जो वो देखे जो कोई और नहीं देख सकता। 3 महीने का एक हम लोग कोर्स करने जा रहे हैं इंटरनेशनल, उसके 8 सेशंस होंगे। एक में नोट्स बनाने का तरीका, नोट्स ऐसे नोट्स जो जिंदगी भर हमारे साथ रहे। एक एग्जांपल देता हूं, हड़प्पा पढ़वाया था, पहली बार आया था हड़प्पा 6th स्टैंडर्ड में, फिर आया था 12th स्टैंडर्ड में, फिर IAS में आया। काश मैंने 6th में ही खूब अच्छे नोट्स बनाए होते, इतना इंटरेस्ट लिया होता, फिर उस नोट्स को उठाकर रख दिया होता, फिर 12th में उसमें कुछ ऐड किया होता, तो मुझे IAS में नोट्स नहीं बनाने। माइंड मैप, नोट्स, आर्ट ऑफ डिजिटल नोट्स मेकिंग, पूरा एक सेशन लेंगे कैसे बनाना चाहिए इस जमाने में। दूसरा, हाउ टू रीड अ बुक, एक किताब को पढ़ने के और क्या तरीके, डेफिनेशंस को जिंदगी भर के लिए खून में उतारने के क्या तरीके। द आर्ट ऑफ वोकैबुलरी एंड राइटिंग, लफ्जों को कैसे सीखा जाता है, एक बार में हमेशा के लिए कोई वोकैबुलरी या टर्मिनोलॉजी कैसे याद हो जाए, उसके लिए कैसे मेहनत करते हैं, और फिर अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते। द आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब होता है, मैं उस तरफ ले चल रहा हूं, उसके बिना हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। मैं आपके 15 मिनट और लेने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ये एक इतना बड़ा आर्ट है जो मैं देने जा रहा हूं, जिंदगी भर के लिए काम आएगा, ध्यान से सुन, पूरा पूरी तवज्जो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरी तरफ करो, फिर मैं बताता हूं। यहां देखो, 2+2 कितना होता है, फीस बहुत ही नॉमिनल भी नहीं है, बोलेंगे फीस ही नहीं है, वो जो है वो ऐप की कंपनी जो चार्ज लेगी बस वो चार्ज, वो 1200 पर मंथ लेते हैं, उतना ही चार्ज है और कोई चार्ज नहीं। यहां देखो, पहले इस पर ध्यान दो, उसके बाद उसकी डिटेल्स बता। 2+2, बस पूरा ध्यान मेरी तरफ देना, जो पूछ रहा हूं वो बताओ, 2+2 कितना होता है, 4, 4+4 8, आसान है, 2+2 4, 4+4 8, 8+8 16, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 कितना हुआ? तो आप बोलेंगे सर 17 मल्टीप्लाई बाय 23, सर रुको एक सेकेंड, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 बाय सर 408 हुआ सर, 408। क्यों लगा इतना टाइम? क्योंकि यहां पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान से सुनना, क्या, एक होता है सामने का दिमाग, एक होता है पीछे का दिमाग। अब ये कितनी खराब तरीके से मैंने बोला, इसको नए तरीके से समझाते, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस सबकॉन्शियस भी नहीं समझ में आ रहा तो एक नया बताता हूं, एक होता है System 1, एक होता है System 2। System 1 का क्या काम है, किसी भी चीज पर कूद पड़ना, किसी भी चीज को कोई कहानी बनाकर समझा देना, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, जो मन में आए सो बोलना, और गुस्सा आने के वक्त System 1 पूरी पूरी पर्सनालिटी पे कब्जा कर देता है। System 2 इसका उल्टा होता है। System 2 का काम है आराम से सोचना, तरीके से सोचना, हम क्या करने वाले हैं, भाई बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं होता, रुको, बर्दाश्त करो, शराफत में रहो, ऐसे मत करो, ध्यान लगाओ, ध्यान दो। जब भी ध्यान लगाओ ध्यान दो की बात आती है ना, System 2 आ गया। और System 2 एक बार में एक ही चीज पे ध्यान लगा सकते हैं, इसलिए गाड़ी मोड़ते वक्त, गाड़ी पलटाते वक्त पीछे बात करने वाले देखते हैं कि मोड़ मोड़ थोड़ा सा नैरो है, तो वो अपनी बात धीरे कर देते हैं ताकि ड्राइवर अच्छे से फोकस करे। क्यों? ड्राइवर बात सुन रहा है System 2 से और गाड़ी मोड़ भी रहा है System 2 से, दोनों काम वो एक साथ नहीं कर सकते, तो पीछे वाले ना थोड़ा चुप हो जाते हैं। जब गाड़ी मुड़ जाती है, खाली रोड आता है, फिर वो बात करते हैं, ड्राइवर भी गाड़ी नहीं चला रहा, वो पीछे वालों की सुन रहा है। System 2 पढ़ा लिखा होता है, एफर्टफुल होता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, चीजों पे ध्यान देता है। System 2 को ये सब करने के लिए ब्लड में बहुत ग्लूकोज लगता है और System 2 जल्दी थक जाता है,
और सिस्टम टू अगर ट्रेन ना किया जाए तो जल्दी से सरेंडर कर देता है। अब सुनना बहुत अच्छी बात, आज की आखिरी बात ध्यान से सुनना। सारी दुनिया सिस्टम वन को पढ़ा रही, सिस्टम टू को कोई नहीं पढ़ा। पढ़ा लिखा इंसान उसे कहते हैं जिसका सिस्टम टू उसके सिस्टम वन से ताकतवर होता है, जिसका सिस्टम टू ताकतवर होता है किससे, सिस्टम वन से। पर सारी दुनिया सिस्टम टू को धोखा देने के लिए काम करती है। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा ध्यान से सुन। एक आदमी एक टेलर की दुकान में गया, उसने पहन के देखा एक कोट, पूछा मैं कैसा लग रहा हूं, तो उसने कहा कि ये ब्लैक कलर का है। कह रहे मैं लग कैसा रहा हूं, कहा सर ब्लैक कलर का है। अरे हाउ डू आई लुक, मैं लग कैसा रहा हूं। ओ वंडरफुल सर, ब्यूटिफुल। तो उसने कहा हाउ मच, उसने कहा सर वंडरफुल सर ब्यूटिफुल। अरे कहा हाउ मच, अरे सर वंडरफुल ब्यूटिफुल। कहा नहीं कितने का है, हाउ मच। तो उसने कहा ओहो वेट वेट, मैं अपने अपने दोस्त से पूछ के बता, अपने भाई से पूछ के बता। उसने कहा ब्रदर हाउ मच फॉर दिस कोट, उसने कहा 42। इसने कहा सर 2200। तो कस्टमर को एहसास हुआ इसके ऊंचा सुनने की वजह से मुझे 2000 का फायदा हो रहा है। कस्टमर ने पैसे वहां रखे और तेजी से भाग गया, कहां इसका मन पलट जाए वो तेजी से भाग गया। इसने पैसे उठाए जेब में डाले और बाहर वो दोस्त आया, बाहर वो भाई आया, उसने हाथ मिला के कहा क्या बेवकूफ बना, ये 1800 का कोट था 2200 में बेचा। ये जो ग्राहक बेवकूफ बनकर गया ना, ये किसी और की कहानी नहीं है, आपकी है। जब आप अमेजन पर शॉपिंग करते हैं, आपकी कैटेगरी के शुरुआत के दो प्रोडक्ट अमेजन हमेशा वो दिखाता है जिससे यहां एक एंकर बन जाए, और तीसरा प्रोडक्ट उससे कम करके बेस्ट सेलर लिखकर अमेजन चॉइस लिखकर आपको भेज देता। तो आप ऊपर से देखते हुए आ रहे थे। यहां राजेंद्र नगर में यूपीएससी के बच्चे जब घर ढूंढने जाते हैं ना, तो उनको सबसे अच्छा घर पहले नहीं दिखाते, पहले दो जगह ले जाकर इतना थका देते हैं, ऊपर चढ़ाकर नीचे उतारकर, और इतने खराब कमरे दिखाकर कि बच्चा एकदम मन बना लेता है कि अब थोड़ा भी अच्छा मिलेगा ना तो मैं ले लूं। और तीसरा वो जैसे ही दिखाते हैं उनको मालूम है यही लेगा वो, लेकिन वो तीसरे नंबर पे दिखाते, वो कहता बस 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 ये पकड़ो एडवांस मुझे दे दो, वो खरीद लेते हैं। और फिर वो दोनों दलाल अपने ब्रोकर अपने हाथ पे हाथ मिला के कहते हैं देखा इसके सिस्टम टू को थका कर इसके सिस्टम वन को क्या बेवकूफ बनाया। ये सिस्टम वन और सिस्टम टू को खराब से खराब कंडीशंस में अलाइव रखना, जिंदा रखना, इसे सही पढ़ा लिखा होना बोलते हैं। ये पैगंबरों का और सूफियों का और ऋषि मुनियों का काम। आप दिन भर से थकान करके आएंगे और मैं आपको रात को एक केक दूं या एक सैलेड दूं तो आप जल्दी से केक ले लेंगे। आप दिन भर फ्रेश थे और मैं आपको सैलेड और केक ला के दूं, आप केक छोड़कर सैलेड खाएंगे, बोलेंगे नहीं हेल्दी चॉइस। जब सिस्टम टू ताकतवर होता है तो हमारी लाइफ में हर डिसीजन सही होता है। सिस्टम टू जब थका हुआ होता है तो सिस्टम वन ओवरटेक करता है और वहीं हमसे सारी गलतियां। लोगों का सिस्टम टू इतना थक गया था कि एग्जिट पोल वालों ने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया और उसके बाद बड़े लीडरों ने आके कहा कि लगा दो पैसा मार्केट में तुम चमक जाओगे, और लोगों ने लाकर पैसा लगाया और 38 लाख करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स का हवा हो गया। इन जमाने की मक्कारियों को पकड़ना भी इस जमाने के सिलेबस में बहुत जरूरी है। इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल बायसेस कहते हैं। 273 तरह के होते हैं, 273 तरह की ट्रेनिंग होती है जो हमारे दिमाग को लगती है। अगले 3 महीने इन कॉग्निटिव बिहेवियरल बायसेस से भी हम गुजरेंगे। क्यों? इथिक्स का पेपर यूपीएससी वालों के लिए, और जिंदगी में इन्वेस्टर अगर बनना है तो ये वाली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर अपने और अपने परिवार के लिए सही डिसीजन लेना, डिसीजन सही लेना यानी पढ़ा लिखा होना, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल बायसेस के बिना नहीं ठीक।
वरना जब आपका सिस्टम टू थका हुआ होता है ना, तो सिस्टम वन वो फैसले लेता है जिससे जिंदगी में बहुत नुकसान होते हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूं एक ऐसे इंटरनेशनल प्रोग्राम में जिसमें पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे मंडे ट्यूसडे, आपको वोकैबुलरी मिलेगी वेडनेसडे, आपको सोचने की एक्सरसाइज दी जाएगी थर्सडे, जो सब आपके सिलेबस से ही होगी। 6th से 12th सारी एनसीईआरटी को इस तरह ढाला जाएगा। और थर्सडे फ्राइडे आपकी छुट्टी होगी, सैटरडे संडे लाइव क्लास होगी जैसे आज हो रही है, ढाई ढाई दो दो घंटे की लाइव क्लास। और संडे शाम को एक पेपर होगा हफ्ते भर के पढ़े हुए कि आपने कितना सीखा। इस सेशन की शुरुआत हम करेंगे आने वाले वीक से, 24 जून से। हमें तकरीबन यहाँ पर 1376 रजिस्ट्रेशन हैं, हमें सिर्फ 300-350 अच्छे लोग चाहिए। हम सबको नहीं लेंगे, सबको लेकर भीड़ नहीं बढ़ानी ना कुछ कमाना। इसके जो प्राइस भी है वो 1800 हमसे ऐप वाला लेता है, 1200 में वो हमें बैंडविड्थ देगा, कई जीबी में मटेरियल स्टोर करके आप तक पहुंचाने देगा, किताबों के पावर पॉइंट नोट्स बनाकर आपको देने देगा, आपका टेस्ट लेने देगा और लाइव इंटरेक्शन के लिए प्लेटफॉर्म देगा। 1200 पर मंथ। आपको ये करना है कि अगले 3 महीने हर हफ्ते पूरा एक हफ्ता जो हम आपको पढ़ने का तरीका सिखाएंगे उस तरीके से अपने सिलेबस को गुजार कर दिखा। अगर आप ऐसा करते हैं इस इंटरनेशनल क्लासरूम में, तो फिर हम आपको बुलाकर प्रेजेंट करवाएंगे सबके सामने। आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा होगा जो हम चेक करेंगे, और वो आपने अपने सिलेबस, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप 6th स्टैंडर्ड में हैं, आप 12th में हैं, आपको इस तरह लेकर आना है जिस तरह मैंने आज पढ़ा। और कैसे लाते हैं वो मैं हाथ पकड़ के सिखाऊं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है वो डिसिप्लिन का है, जो 8वां सेशन है, कि हमारी टाइमिंग, उठना बैठना, खाना पढ़ना लिखना, हर चीज का एक रूटीन ऐसा कैसे बने कि 4 बजे सुबह हम उठे तो बिना एफर्ट के उठ जाए। और इसमें एक और चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, अपने सिलेबस से सीखे हुए से हम दुनिया में क्या बेच सकते हैं, क्या बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट में हम आपको दुनिया की सबसे अच्छी केस स्टडीज करवाएंगे, कैसे लोगों ने एक एक चीज से इतनी बड़ी चीज होगी। आपको सिर्फ 3 महीने का ये कोर्स शुरुआत में है, इसके बाद इसमें से चुनिंदा लोगों को हम दिल्ली बुलाएंगे, लेकिन 1200 रुपये महीने पे हम नहीं बुला सकते क्योंकि पूरी दुनिया से लोग होंगे, लेकिन पूरी दुनिया से आप अपने खर्चे पे आइए। यहाँ पर 4 दिन का एक बहुत अच्छा लीडरशिप का हम कैंप करेंगे, जहाँ सारी दुनिया से आए लोगों से आप एक दूसरे से मिलेंगे, अपने कनेक्शंस बनाएंगे। और ये जो सारी चीजें मैं आपको सवेरे से पढ़ा रहा था, जब 3 महीना इसको डिटेल आपके खून में उतारूंगा तो आप असली पढ़ने के तरीके से सारी दुनिया पर वो पढ़ाई कर पाएंगे जिसकी आज जरूरत है। 1200 पर मंथ का आपको एप्लीकेशन का बैंडविड्थ का वो भरना है, हमें कुछ नहीं देना है, ठीक है। एक चीज और है, इस 3 महीने के खत्म होने के बाद बहुत चुनिंदा लोग, उनको हम वापस सॉर्ट आउट करेंगे और फिर 12 मंथ तक, मतलब बचे हुए 9 महीने, उनका हाथ पकड़कर उनके पूरे सिलेबस को हम इस तरीके से गुजार। ये पढ़ने का सबसे खूबसूरत तरीका है। अगले 3 महीने में 16 बड़ी किताबें हम खत्म करने वाले हैं, सिर्फ पढ़ाई कैसे करते हैं इस पर। उसके बाद 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी के हर चैप्टर को इस तरह ढालेंगे जिस तरह ढाल। आपका, आपको कैसे लेना है मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छी बात, alifs.org, alifs.org पे जाना है। हमने अपना फिलिस्तीन जब से हुआ है, पैलेस्टीनियन, ये हमने अपना ऐप हटा लिया है गूगल प्ले स्टोर से, हमने अपने वेबसाइट पे डाल दिया।
तो गूगल को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो जब आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो गूगल लिख कर आएगा ये हार्मफुल है, आप उसकी बातों पे ध्यान मत देना, आप कीप करना, वो डाउनलोड हो जाएगी। अंदर जाने पर रूट्स एंड विंग्स नाम का एक प्रोग्राम, इस रूट्स एंड विंग्स लेगा कोई एक इंसान, लेकिन सारे भाई बहन या घर वाले जैसे आज बैठकर ये वेबिनार देख रहे हैं उस तरह देखें, और हफ्ते के एंड में जो वो यूपीएससी बेस्ड टेस्ट होगा ना, यूपीएससी जैसा टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट में आप पूरी दुनिया के अच्छे लोगों को हराइए और अपनी फैमिली का वो काम करिए जैसा वो डिजर्व करते हैं, उस तरह की तालीम दीजिए। ये पूरा वेबिनार और इसके पावर पॉइंट और इसका बचा हुआ एक्सप्लेनेशन आपको मेल पर भी मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बकरीद सर पर है, वो आपको 4-5 दिन में मिल जाए। बाकी जो लोगों ने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की है उन एप्लीकेशन पर ये सारा अपलोडेड आपको कल ही मिल जाए। पढ़ने का वो तरीका जो सही है, एक क्लास में मैं जितना बता सकता था बताया है, पर 3 महीने में शायद हम पूरी तरह बदल जाए जैसा हमें बदलने की ज़रूरत है। ऐसी दुआ पर आज की ये क्लास ख़त्म करता हूँ। अभी मुझे और बहुत सारी चीज़ें बताना था मैरिड मैन है, बिजनेस मैन है, रिटायर्ड पर्सन है, टीचर है, प्रिंसिपल है, एजुकेटर है, ऐसे लोग ये क्लासरूम में ज़्यादा मिले जिन्हें पढ़ने का शौक हर उम्र में। सबसे बड़ी चीज, जब ये सारी चीजें आप अपने दिल में उतार लेंगे, उसके बाद जब आप कुरान की तफसीर करने बैठे, या मैं लेकर आया था वो भी आज दिखाने को, लेकिन अब एकदम वक्त हो चला है मगरिब ईशा की नमाज का, जब आप कुरान की तफसीर करने बैठेंगे या किसी इलेक्शन का एनालिसिस करने बैठेंगे, और जब आप वहां लगा कर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये वो तालीम है जो आर्टिस्ट से लेके लीडर से लेके स्टूडेंट तक हर कोई अपनी जिंदगी में लगा सकता है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, आपसे दुआ का गुजारिश हूँ, alif.org पर जाइए। देखिए मैं आपको एक जाने से पहले ना एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, एक चीज जो रात को आप सोने नहीं देगी वो दिखाता हूँ खुशी के बारे। पता है एक दूसरे की मदद कैसी करनी चाहिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपने गीज करके एक बर्ड होता है उसे वी शेप में उड़ते हुए देखा है कभी, वी शेप में चिड़िया को उड़ते हुए देखा है? गांव में हम कहते हैं बगुला देखो वी शेप में जा रहा है। जब ये वी शेप में जाते हैं ना, तो सबसे सामने वाला, सबसे मजबूत पंखे वाला, वो हवा को अपने से गुजार कर इतना ढीला कर देता है कि पीछे उड़ने वाले जो होते हैं ना उन्हें कम मेहनत लगानी पड़ती है। और उसके बाद वो एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं, उसी पे आज की क्लास को हम बंद करेंगे। लेट मी शो यू समथिंग रियली ब्यूटीफुल, आपने ऐसी चीज कभी नहीं देखी होगी। ये जिस तरह मैंने लेक्चर दिखाए हैं, अच्छा एक बात और दिखाने से पहले, आप जब वो ले लेंगे ना क्या कहते हैं रूट्स एंड विंग्स alif.org के उस ऐप पे जाकर ले लेंगे, तो उसमें मैंने कुछ लेक्चर्स डाले हैं जिसमें NCERT के आपके सिलेबस के चैप्टर्स को हमने ऐसे ढाल कर दिखाया है। लेकिन वो लाइव क्लासेस पहले होंगी, 16 सेशन होंगे पहले, 18 सेशन पहले होंगे 3 महीने में, उसके बाद आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे और आपके चैप्टर्स को उसी तरह ढाल ढाल कर दिखाएंगे। कैसे डालेंगे, कुछ सैंपल लेक्चर्स मैंने उस पर डाले, लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि गीज एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं और कैसे उड़ते हैं। ध्यान से देखना, जैसे ये आप हवाओं को फ्लैप करते हैं ना अपने विंग्स से, तो पीछे की हवा से एक अपलिफ्ट पैदा होता है जिससे पीछे वालों को कम मेहनत करनी पड़ती। पीछे वाले को 70% एनर्जी कम करने में मदद मिलती। क्या हम अब एक दूसरे के साथ ये विजन शेयर करके एक दूसरे की ऐसी मदद कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के सिलेबस को ऐसे नरम करके दे सकते हैं? और जैसे ही ये गीज बाहर निकलता है उसे महसूस होता है कि बहुत ताकत लग रही है, तो वो वापस वी में चला जाता है।
जब एक गीस थक जाता है वो पीछे चला जाता है, उसकी जगह नया ले लेता है। और ताकत लगाने के लिए ये एक दूसरे को चिल्ला के मदद करते हैं, देखो कैसे। हॉन्क करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, सामने वाले को ज्यादा ताकत लग रही है, वो हवा को नरम कर रहा है, जैसे हमारी अम्मी निवाला नरम करके हमारे मुंह में डालती। लेकिन इस बात को बोइंग ने देखा, और बोइंग ने पता है इससे क्या किया, बहुत जबरदस्त चीज दिखाने जा रहा हूं। बोइंग ने गीज की इस चीज का इस्तेमाल करके, यहां देखिए, बोइंग ने इस चीज का इस्तेमाल करके अपने प्लेन्स को लाइन से लगा के देखा। लेट मी शो यू, 67 स्लाइड्स लाई थी मैंने, लेकिन वो अब अगली बार दिखाऊंगा। बोइंग ने अपने प्लेन्स को इस फॉर्मेशन में उड़ा के देखा, गीज के जैसे फॉर्मेशन में, और वो फ्यूल कट करने लगे बाय 10%। ये जो वोर्टाइसिस क्रिएट होता है, इससे पीछे आने वाले प्लेन्स को आसानी होने लगती उड़ने में। कैन यू इमेजिन कुदरत को कॉपी करके दुनिया ने क्या किया। पढ़ने में वापस जान लाते हैं बच्चों, वैसा पढ़ते हैं जैसा पढ़ने की जरूरत है, वैसा नहीं पढ़ते जैसा पढ़ने के बाद हम कहीं नहीं जा पा रहे। मैं आपसे 2.5 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ आपका वक्त मांग रहा हूं और आपका कमिटमेंट मांग रहा हूं। हम भी इस गीज के वी फॉर्मेशन की तरह उड़ते हैं ना, हम भी अपने परों से हवा को मुलायम करके अपने पीछे आने वालों के लिए देते हैं ना। 3 महीने में हम सबके पर ताकतवर हो जाएंगे, उसके बाद अगर मैं थकने लगूंगा तो इसी क्लास में लीडर पैदा होंगे जो आगे आएंगे, और वो इस सिलेबस और इस चैप्टर को ऐसा करेंगे कि हम सब पीछे वालों के लिए और आसान हो जाए। बात कोर्स कंप्लीट करने की नहीं है, बात कोर्स के खत्म होने तक एक लीडर के पैदा करने की है। बस इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।